तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल का नाम है फिजिक्स फाउंडेशन 12th क्लास के लिए। हमारे ये सीरीज चल रही थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं मैंने सोचा कराता हूँ बच्चों को, क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिए मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि लंबी लंबी वीडियो बनाऊँ, छोटी छोटी वीडियो लाया हूँ। कुछ क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन है और ये पूरा क्वेश्चन देखो ए और बी पार्ट आपको दिख रहा होगा आई होप सो। ये पूरा क्वेश्चन आपको आई थिंक 3 नंबर में आया है बेटा CBSE में और ये 2014 में आया है बेटा 2014 में ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया है और एक नंबर का ये होगा, दो नंबर का ये, अगर CBSE की मार्किंग हम फॉलो करते हैं तो। ओके तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन में बोल रहा है अ पॉइंट चार्ज, ब्रैकेट में साफ दे रखा है प्लस क्यू, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज कैप्ट इन द विसिनिटी ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, उसे एक कंडक्टिंग प्लेट के पास रखा है। कंडक्टिंग प्लेट मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं, मैं आपको बताऊं आप जैसे समझ लीजिए, इसके नजदीक एक रखा है पॉइंट चार्ज, प्लेट है कंडक्टिंग प्लेट, उसके पास यहां रखा है पॉजिटिव चार्ज, टच नहीं है उससे, उसके पास रखा है विसिनिटी पास रखा है। स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द चार्ज एंड द प्लेट, प्लेट और चार्ज के बीच में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, और वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश करें। सबसे अच्छा क्वेश्चन तो ये है इसमें, ठीक है, दोनों ही मिल गए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्लस क्यू चार्ज की। आप सबको पता है कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, ये सब बातें आपको मालूम होनी ही चाहिए। ऑलराइट, ये तो बहुत सिंपल सा था, एक ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे दुनिया में भी दिखा सकते हैं, ये तो था अकेला अगर पॉइंट चार्ज था, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसके बगल में एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट रखी है। कंडक्टिंग का मतलब है बेटा मेटल की होगी, मेटल की प्लेट रखी है और उस पर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, तो फिर कैसे हो। जैसे मान लीजिए बेटा प्लेट यहां कहीं पर रखी है इस तरीके से, ऐसे अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, और बेटा जब भी आपसे प्लेट कहेगा ना आप लोगों को कुछ नहीं, बस एक प्लेन स्ट्रेट ऐसा प्लेन बनाना है प्लेट अगर कह दे। अब हो सकता है प्लेट आपकी कर्व भी हो सकती है अगर कहे क्वेश्चन में तब, अदरवाइज नहीं कहे तो आपको सीधा प्लेन बनाना है। ऑलराइट, अच्छा, और मेटल की होगी अनचार्ज है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब क्या होता है, आपको पता है कि किसी भी मेटल के पास अगर आप चार्ज को ले जाएं, टच नहीं कराएं, थोड़ा दूर है, तो उसमें चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ कुछ ही नेगेटिव को खींचता है अपनी तरफ मेटल की प्लेट में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को दूर धकेलेगा प्लेट्स के अंदर ही। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है बेटा, चलिए देखते हैं होता क्या है बेटा। होगा कुछ इस तरीके से, मान लीजिए बेटा ये प्लेट है, थोड़ा मैं ऐसे मोटा दिखा रहा हूँ, काफी बुक इसे पतला दिखाते हैं, आप थोड़ा मोटा दिखाएं, मैं बताऊंगा क्यों। यहाँ पे आपने बेटा चार्ज रखा है, चार्ज आपका प्लस क्यू है। अब आपको पता है क्योंकि ये प्लस का है तो ये मेटल के अंदर चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लिया करते हैं, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव बेटा यहाँ पहुंच जाता है। ऑब्वियस सी बात है ना, नेट चार्ज तो अभी इस पे जीरो ही है, अनचार्ज है ना, नेट चार्ज देख लो गिन लो जीरो ही रहेगा। ऑलराइट, अच्छा अब देखिए क्या होता है बेटा, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती हैं, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, इधर भी निकलेंगी ऐसे, लेकिन ये ऐसे बेटा नहीं जा सकती है, ये तब जाती अगर यहाँ पे मेटल की प्लेट ना होती, तो ये ऐसे जाती है, ऐसे जाती। अब यहाँ ऐसे क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि आपको पता है मेटल की सरफेस पे फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर गिरती हैं। तो ये आपके कॉन्सेप्ट देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट इस जरा से एक नंबर क्वेश्चन में लग रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर गिरनी है, परपेंडिकुलर, ओके सर, तो ये गलत है, इसे हटा देते हैं, हम एक बनाते हैं हम इस तरीके से, ऐसे देखो परपेंडिकुलर गिर रही, हाँ ठीक है। अच्छा ये देखो बेटा नेगेटिव है तो इसकी तरफ फील्ड लाइंस आ रही है, इसकी तरफ फील्ड लाइंस आ रही है, यहां पॉजिटिव है तो बेटा यहां से ऐसे निकलेंगे, परपेंडिकुलर निकलेंगी, हाँ परपेंडिकुलर निकलेंगी, हाँ परपेंडिकुलर निकलेंगी, बिल्कुल ये सारी की सारी देखो पॉजिटिव चार्ज हो गया ना ये सब इस साइड, क्योंकि ये साइड कंडक्टर की हो गई पॉजिटिव, तो ऐसे निकल रही है। यहाँ पे सर यहाँ पे भी सारी ऐसे लिया, अब यहाँ ऐसे आ नहीं सकती, इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ निकल तो यहीं से ही होंगी, ओरिजिनेट यहाँ से हो रही है,
ऐसा मान लो छोटा सा गोला है, अब गोले के परपेंडिकुलर मतलब कि सेंटर से आ रही होंगी, तो यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी कुछ। अगर आपने यहाँ पे लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ भी 7 दिखेंगे ऐसे करके। देखो परपेंडिकुलर डालनी है ऐसे करके ये, ठीक है, और रिपेल करती हैं इसीलिए कट नहीं करेंगी बेटा, और 90 डिग्री पे जा रही, देखो ठीक है ना। तो बेटा इस तरीके से आपका ये डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा होता क्या है। बहुत सी बुक, बहुत से ऑथर इसको ऐसे देते हैं जो कि ठीक है, कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सी बुक में बेटा इधर ये नहीं दिया होता, तो वो भी गलत नहीं है। अगर आपको चाहना है कि ये नहीं है इधर, तो कुछ मत करो बेटा, कुछ मत करो, यहाँ से इसे हटा दो। कैसे हटेगा अब ये तो तब हटेगा ना, तो यहाँ चार्ज ना हो, यहाँ चार्ज तब नहीं होगा बेटा अगर आप इसे अर्थिंग कर देते हैं। अब क्या होगा, अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे और इनको खत्म करते जाएंगे। अब ये ऐसा, अब ये ऐसा हुआ, ये ऐसे बनाते हैं, तो ये भी ठीक है और जो हमने बनाया था पहले वो भी ठीक है बेटा, आप कोई सा भी बना सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, देखो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दिखानी है, क्योंकि होता ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां जहां मेटीरियल है मेटीरियल नहीं दिखाया। ऑलराइट, ये आपका क्वेश्चन है, आई होप आपके समझ में आया होगा। दोनों ही डायग्राम इसके ठीक हैं, गलत नहीं है, कई बार बच्चा करते होता है कि ये ठीक है वो, दोनों ठीक है, समझो मेरी बात को, ओके। अच्छा, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया एकदम मस्त क्वेश्चन जो है वो है दूसरा पार्ट। और मैं चाहूंगा बेटा इसको आप एक बार करने की कोशिश करें। अब फिर से वही बात है, देखो मैं आपको बताऊं बेटा, अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे ही है सारे के सारे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इवन पूरी फिजिक्स ही कॉन्सेप्ट पर है, लेकिन कुछ पोर्शन थ्योरेटिकल होता है ना, कुछ पोर्शन फॉर्मूला बेस्ड होता है जो न्यूमेरिकल सिस्टम कहते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। देखें किस तरीके से बेटा, इसमें कह रहा है टू इनफाइनाइटली, बहुत बड़ी है, लार्ज, इनफाइनाइटली कह दिया तो खत्म ही है, लार्ज की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना, इनफाइनाइटली लिख के लार्ज नहीं था तब भी हम बात उसे ही मानते बेटा। टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन थिन पैरेलल शीट्स। अब ये पैरेलल शीट्स की पैरेलल शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, दो इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन, प्लेन मतलब बिल्कुल प्लेन, कर्व नहीं है, कर्व नहीं है। टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन थिन मतलब बहुत पतली है, पैरेलल शीट। अब देखो शीट और उसमें फर्क क्या होता है बेटा, शीट की बात करते हैं और मेटल की बात करते हैं कुछ इस तरीके से, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने का, यहाँ मेरे रूम में कुछ है भी नहीं, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको ये, हालांकि आप इसको भी अच्छे से समझेंगे अगर मैं इसे दिखाऊँ, ये ठीक है मेरा दिखाने के लिए। इस तरीके से, अरे खुल जा भैया, ये नहीं खुल रहा, कोई बात नहीं, देखो बेटा इस तरीके से ये तो शीट है, मतलब कि अगर आप देखेंगे बेटा इसकी थिकनेस बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो, इसलिए इसे शीट बोला, ओके। इसे बोलते हैं कंडक्टिंग प्लेट, तो प्लेट ये है, थोड़ी थिकनेस दिख रही है ना, ये फर्क होता है शीट और किसमें प्लेट में, छोटा सा फर्क है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब दो इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन थिन पैरेलल शीट्स हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन और सिग्मा टू है, सिग्मा वन सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज के अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, इस तरीके से कि सिग्मा वन ज्यादा है मतलब कि पहली प्लेट पे एक एरिया पे ज्यादा चार्ज है, एक एरिया पे ज्यादा चार्ज है पहली प्लेट पे। फिर कह रहा है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, फिगर भी आपको दिखा रखी है, राइट द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इन द रीजन मार्क सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन कहां होगी ये आपको बताना है बेटा। अब ये भी देखो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, प्योरली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं बेटा, आपको पता होना चाहिए कि एक अकेली इनफाइनाइटली लार्ज शीट होती अगर सिंगल, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकालो वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ स्पेस। अगर यहाँ हवा है तो हमने एप्सिलॉन नॉट का रखा है, अगर यहाँ कोई मीडियम होता तो उस मीडियम की परमिटिविटी आती है, मेरे बच्चे इसका भी ध्यान रखना,
ये भी यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ऑल राइट, होती कैसे है बेटा, अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द शीट, ऐसे होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है ऐसा। अच्छा, इसका इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि देखो आप x डिस्टेंस चलो या y चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आएगा, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लो, ये रामबाण है इन क्वेश्चंस का, क्योंकि इजी हो जाते हैं फिर से क्वेश्चन, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड करता ही नहीं। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर, ऑल राइट। ओके, अगर हम इधर की तरफ देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना वो अभी भी नहीं होगा, फिर चाहे आप पास में देखो, दूर देखो, दूर देखो, दूर देखो, दूर। इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्मूला शीट के लिए वैलिड है, वो भी लार्ज शीट, इनफाइनाइट शीट। अगर शीट की साइज थोड़ा कम है तब बेटा ये वैलिड नहीं है, लेकिन तब भी ये वैलिड उसके लिए होता है। मान लीजिए बेटा शीट आपकी ऐसे है, ठीक है ना, ये इनफाइनाइट नहीं है बेटा। इनफाइनाइट क्यों नहीं है, अगर मैं यहां पर देखूंगा तो ये इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गई है शीट से। अगर मैं बिल्कुल नजदीक देखता हूं ऐसा, अगर बिल्कुल पास ऐसा, तो छोटी सी चींटी है बिल्कुल इसके पास है, टच नहीं है, थोड़ी सी दूर, और वो देखी हुई वो इतना बड़ा है तो शीट बहुत बड़ी है, तो उसे लगेगी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब पहली बात तो ये होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट अगर ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आप मिलीमीटर में बैठ के देख रहे हो तो ये इनफाइनाइट शीट की तरह ही आपको बिहेव करेगा, अगर आप मिलीमीटर में बैठ के देख रहे हैं। लेकिन ये भी सेंटीमीटर, आप भी सेंटीमीटर पर जाके देख रहे हैं, तब ये इनफाइनाइट नहीं रहेगा, तब भी ये फॉर्मूला सिर्फ एक ही जगह वैलिड होगा, वो होगा इसके मिडिल रीजन में। जैसे शीट है, इसका मिडिल रीजन लगभग यहाँ है, तो इस लाइन पे लगभग कहीं भी चले जाओ वैलिड होगा ये फॉर्मूला। ये फाइनाइट शीट के लिए सिर्फ मिडिल रीजन में, अगर यहाँ पे देखेंगे तब नहीं होगा बेटा फॉर्मूला बेटे। ऑलराइट, चलिए क्या इनफाइनाइट का बताना है तो इनफाइनाइट का बताते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। सिग्मा होती है चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है चार्ज कितना है। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, अगर चार्ज डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे सिग्मा वन ज्यादा है, देखो मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा है, चार्ज ज्यादा फैला हुआ यहाँ पे कम है। तो अगर मैं दो कलर यूज कर लेता हूँ ताकि आपको पहचान में आए आसानी से। बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं पहली वाली शीट की बात करता हूँ, ये मेरी पहली शीट है, मैं सामने से दिखा रहा हूँ फ्रंट व्यू। ऑलराइट, ये शीट फर्स्ट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन है। इधर थोड़ी दूर दूसरी शीट है, और ये भी बहुत बड़ी है, इनफाइनेटली लार्ज शीट है, इनफाइनेटली लार्ज। चलिए दूसरी तो मैंने बना दी, लेकिन अब पहले पहली का देखते हैं बेटा। पहली शीट मैंने इसको प्लस 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 क्योंकि क्वेश्चन में बेटा दे रखा है। और ये क्वेश्चन कब आया है बेटा, फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन आपको बेटा 2014 में सीबीएसई ने पूछा हुआ है, 3 नंबर में। ओके, प्लस 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 प्लस, इसकी वजह से फील्ड देखो यहाँ पे कैसा होगा, इधर को होगा, क्योंकि अवे फ्रॉम द प्लेट होता है, अवे फ्रॉम द प्लेट ऐसा होगा। कितना होगा, सिग्मा वन, क्योंकि इसकी सिग्मा वन है, सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, प्लेट से दूर जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ आती फील्ड लाइन, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी यही होगा, सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। भाई कितने रीजन है यहाँ, एक दो, दो में एक और रीजन है तीसरा, यहाँ पे बना दो। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी उतना ही होगा, सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये हर जगह फील्ड की वैल्यू उतनी ही है, बस डायरेक्शन का फर्क है। अगर आप राइट में जा रहे हैं पॉजिटिव है तो राइट में है, लेफ्ट में जा रहे हैं पॉजिटिव प्लेट है लेफ्ट में, वैल्यू उतनी है, देखो मैग्नीट्यूड उतना ही है, इस अकेले की वजह से, इस अकेले की वजह से। चलो ये केले की वजह से है तो अमरूद की वजह कितना होगा बेटा, ये भी इस पे भी प्लस चार्ज ही है, तो इसकी वजह से भी मूविंग अवे होगा, दूर जाता होगा। कितना होगा देखो, सिग्मा टू है, यहाँ पे देखते हैं, इसी पॉइंट पे देखते हैं, तो इसकी वजह से होगा कुछ ऐसा। कितना होगा, सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, यहां पर देखते हैं, अब अगर इस रीजन में देखो, इस वाली प्लेट के लिए अभी लेफ्ट में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, लाइन से निकलेंगी। कितना होगा सर, इस पॉइंट पे देखेंगे, इधर को आएगा, कितना आएगा, थोड़ा देखो ये थोड़ा छोटा होगा, ये थोड़ा छोटा क्यों होगा, क्योंकि सिग्मा वन छोटा है, ये देखो सिग्मा वन छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा होगा। मैंने देखो इसका एरो छोटा बनाया है बेटा, है ना,
तो यहाँ पे भी एरो थोड़ा छोटा बनाएंगे लेकिन बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से। कितना है ये? सिग्मा 2/2 ε0। ऑलराइट, यहाँ देखते हैं यहाँ पे कैसा होगा, फिर से मूविंग अवे है तो ऐसा ही होगा यू। कितना है? सिग्मा 2/2 ε0। तो अब आप लोग को बेटा इतना तो आता ही है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के साथ ऐड होगी, अपोजिट जा रहे हैं तो सब्सट्रैक्ट हो जाने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्या होने वाला है बेटा। असल में पहले इधर देखो बेटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इट मीन्स ये ऐड होंगे। ठीक, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये भी ऐड सब होंगे, दोनों ऐड होंगे। ऑलराइट, अच्छा डायरेक्शन की बात करते हैं। थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भैया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा थर्ड रीजन में, इसे E3 देता हूं, ईथर है ना, ईथर। भैया दोनों को जोड़ दो कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, दोनों को ऐड कर दे, नीचे तो सब में कॉमन आ ही रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा σ1 σ2/2 ε0। ऑलराइट, डायरेक्शन कहां को है? डायरेक्शन है सर, इसे नेमिंग कर दो। डायरेक्शन कहां को बोलोगे आप? क्या बोलोगे? अवे फ्रॉम प्लेट टू आउटसाइड, अवे फ्रॉम प्लेट टू आउटसाइड डायरेक्शन भी देनी है। तो ये लो, अवे फ्रॉम कौन सी प्लेट है? ये सेकंड प्लेट है, अवे फ्रॉम प्लेट टू आउटसाइड, बाहर की तरफ जा रहा है प्लेट टू से, है ना? ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। अच्छा यहाँ पे देखें बेटा, फर्स्ट रीजन में, हालांकि फर्स्ट रीजन में हमसे पूछा नहीं है, इसमें सिर्फ सेकंड और थर्ड में पूछा है, तो आप देख लो फर्स्ट रीजन में भी इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एग्जैक्टली इतना ही दोनों जुड़ेंगे, लेकिन अभी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा उसके। अगर आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं तो बेटा इसको नेगेटिव माननी पड़ेगी आपको। ऑल राइट सर, सेकेंड रीजन देखते हैं, ये है, इसमें अगर आप देखो तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो कैसे आएगा? वो एक में से दूसरे को घटाना पड़ेगा। अब बड़े में से छोटा घटा दो तो ज्यादा इजी रहेगा। बड़ा कौन है? बड़ा तो सर सिग्मा वन था, तो ये वाला बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इधर को लग रहा है ये 10, इधर को लग रहा है 8, तो आया 2, उधर को ही आया, बड़े की तरफ ही आने वाला, आपको पता है बात। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा? इसे लिखेंगे σ1/2 ε0। ये माइनस आने वाला है ना बेटा, माइनस ये इसलिए आया है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा। ठीक है, ये मत सोचना कि सर माइनस क्यों लिख दिया बेटा, ये जुड़ रहे हैं, अल्टीमेटली मैंने इनको जोड़ लो ना, डायरेक्शन भी ऐड होती है इनमें। ठीक, तो कितना आने वाला है? σ1 σ2/2 ε0। डायरेक्शन कहां को है देखो, अगर आप इसकी डायरेक्शन देखोगे बेटा, इसकी डायरेक्शन भी राइट को है, फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2, इन बिटवीन में आएगा, सेकंड रीजन तो इन बिटवीन ही है, लेकिन डायरेक्शन कहां को है? फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2। थर्ड रीजन में कहां को डायरेक्शन थी? उधर थी, फ्रॉम प्लेट 2 आउटसाइड, अवे फ्रॉम प्लेट 2। और फर्स्ट रीजन में अगर देखोगे एग्जैक्टली इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन आ जाएगी एस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया बेटा, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, लेकिन आ जाएगा, बहुत आप होशियार हो सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, देखते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहो बेटा, मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच।